यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंजुगेट और मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स -3+i(x²y) एंड x²+y+4y आर कंजुगेट ऑफ इच अदर। मीन्स -3+i(x²y) एंड x²+y+4i कंजुगेट ऑफ x²+y+4i आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल व्हेन इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ कंजुगेट ऑफ दिस इज x²+y -4i, आई की जगह क्या कर देंगे माइनस है। अब इसमें इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वी गेट -3 इक्वल टू x²+y एंड x²y इक्वल्स टू -4। देयर आर टू इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर टू, x एंड y, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और दो इक्वेशन हैं, तो मैक्सिमम चांस है सॉल्व होने का। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीएफ को रिप्लेस करेंगे, तो y को हम यहां से रिप्लेस करके यहां पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू -3 - x², इसको पुट कर देंगे इसमें x²-3 - x² इक्वल्स टू -4, माइनस कॉमन होकर कट जाएगा, 3x² + x⁴ और इधर प्लस है, इधर आके -4। x² में ये क्वाड्रेटिक है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 का प्रोडक्ट -4 × 1 -4 एंड माइनस और 4 × -1 करते हैं, तो यहां पे दो पार्ट x²⁴x - x - 4 = x²⁴x², x² में क्वाड्रेटिक है, x² कॉमन होगा तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहां से क्या कॉमन आया -1। अब ये कभी जीरो नहीं हो सकता, 4 से कम नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू x² का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू 4 होगा, 0+4 = 4 होगा, उससे कम नहीं हो सकता, मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा, इससे आप डिवाइड करें तो सिर्फ x² बचेगा और x² = 1 इम्प्लाइज x = +-1, तो x के दो वैल्यू आए, उसको पुट करके y निकाल देंगे, तो इफ x = 1 देन y = -3 - 1² -3 - 1 - 4 एंड इफ x = -1 y = -3 - 1 अगेन -4 देन x = 1 y = -4 एंड x = -1 y = -4, ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इफ a+ib / c+id = x + id, ये गिवन है, प्रूव दैट a - ib / c - id = x - id एंड a²+b² / c²+d² = x²+y². अब यहां से क्लियर कट है कि ईच का ये कंजुगेट है और उधर मॉडुलस का स्क्वायर है, तो बोथ साइड्स कंजुगेट ले सकते हैं, गिवन है a+ib / c+id, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट कंजुगेट लेंगे
सी प्लस आई डी और एक्स प्लस आई डी। अब प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं कि कंजुगेट ऑफ जेड वन बाय जेड टू इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड वन बाय कंजुगेट ऑफ जेड टू। ये प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, प्रूव भी किए हैं सारी प्रॉपर्टी। तो ए प्लस आई बी का कंजुगेट और फिर सी प्लस आई डी का कंजुगेट अलग अलग ले सकते हैं और एक्स प्लस आई बी का कंजुगेट तो है। कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी इसका, सी माइनस आई डी और एक्स माइनस आई बी, और यही प्रूव करना है। सिमिलरली दूसरा मॉडुलस पे है, तो मॉडुलस पे साइड में करते हैं ए प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस लेने के लिए एक्स प्लस आई वाई का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बोथ साइड्स मॉड लेते हैं ए प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी एक्स प्लस आई वाई, और मॉड लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी इक्वल हो गए। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रूव करना है, कंजुगेट से आएगा या मॉडुलस से आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन प्लस आई इंटू वन प्लस टू आई इंटू वन प्लस थ्री आई इंटू वन प्लस फाइव डॉट डॉट वन प्लस नाइन इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये टू है फाइव, यहाँ पे इसका मॉडुलस अंडर रूट टू, इसका अंडर रूट फाइव, इसका अंडर रूट टेन, इस तरह से इसका अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर, और स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है बोथ साइड क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो वन प्लस आई ये गिवन है, वन प्लस टू आई, वन प्लस थ्री आई, वन प्लस एन आई, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो पहले तो पूरे का मॉड लेते हैं, वन प्लस एन आई एक्स प्लस आई वाई, और अब पढ़े हैं प्रॉपर्टी में कि जेड वन जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू, मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू, अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो अलग अलग मॉड होगा, वन प्लस आई वन प्लस टू आई इंटू वन प्लस थ्री आई डॉट डॉट वन प्लस एन आई एक्स प्लस आई वाई। अब मॉड लेना शुरू करते हैं, तो अंडर रूट वन का स्क्वायर वन और वन का स्क्वायर वन, अंडर रूट वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर एन स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट अंडर रूट वन प्लस वन टू है, ये टू फाइव टेन
1 plus n square और इधर x square plus y square, यही क्या करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फाइंड द मॉडल ऑफ सब दिस। तो इसमें क्या करना होगा, इसका मॉडुलस निकालना है। नीचे तो कंजुगेट में है 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ऊपर 1 प्लस आई होल स्क्वायर, 1 माइनस आई होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 4ab भी होता है, तो 4 इंटू 1 इंटू आई और जेड इंटू जेड कंजुगेट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, सीधा 1 प्लस 1 2 और ये 2 से 4 में डिवाइड होगा तो 2 है, सीधा 2 है, ये आया पूरा का वैल्यू, तो मॉड कितना हो जाएगा, मॉडुलस 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है 0, वाई का वैल्यू 2।